तो आपका एक बार दिल से स्वागत है। आज के इस वीडियो में दिखाने जा रहा हूं कि बिहार के आशा कार्यकर्ताओं का 25,000 रुपए मानदेय को लेकर के हड़ताल फिर से स्टार्ट हो गया है। तो ये वाला वीडियो सामने में आया है, तो सबसे पहले आप लोग को ये वाला वीडियो दिखाते हैं। मानदेय मिले जिसको लागू अभी तक नहीं किया गया है, तो राज्य का यह फैसला है कि चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करके अपनी डिमांड को सरकार तक पहुंचाएं और उससे अपनी मांग को मनवाने में सक्षम हो। इसलिए हम लोग आज यह प्रदर्शन 2 दिवसीय कर रहे हैं। आगे 15 जनवरी से 15 फरवरी तक जिला मुख्यालय का हर जगह पूरे बिहार में घेराव करना है। उसके बाद 22 फरवरी को ये अल्टीमेटम दे चुके हैं हम लोग कि 22 फरवरी को आशा वर्कर की मांग पर यदि मोहर नहीं लगती है तो हम लोग भूख हड़ताल पर विधानसभा के आगे बैठेंगे और इसकी जवाबदेही सरकार की होगी। तो अभी आपने जो वीडियो देख करके आई होप कि आपको हर एक चीज समझ में आ गया होगा। और ये जो पहले 2500 रुपए मानदेय की बात चल रही थी, तो इसका कोई भी न्यू अपडेट नहीं आया है, जिसको लेकर के आशा वर्कर अभी भी बहुत ही गुस्से में है और सब कोई धरना प्रदर्शन की तैयारी में लगी हुई है। और सभी आशा वर्कर अपने अपने हॉस्पिटल में हड़ताल की तैयारी में कुछ इस तरह का प्रदर्शन कर रही है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। कोई भी न्यू अपडेट आएगा तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना क्या आप इस बार 25,000 रुपए मानदेय को लेकर के कौशलेंद्र कुमार वर्मा के साथ हड़ताल करने के लिए तैयार हैं, हाँ या नहीं, मैं जवाब जरूर देना। तो फिर मिलते हैं कोई न्यू अपडेट में, तब तक के लिए बाय बाय।